देता है कि मतलब चुपन था, लेकिन ये कि मुझे बस एक वो खौफ लाहक हो गया था कि अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ऐसे अपने बच्चों को मार देंगे। हम ये सामने से यहाँ लेफ्ट जी, तो रोड पे नहीं है? नहीं रोड पे नहीं, अंदर बस रोड पे ही है, यहीं से अंदर लेंगे फिर ऐसे ही टर्न करके आ जाएंगे। तो ये जो स्कूल आपका है इसमें 1200 बच्चे पढ़ते हैं? नहीं 900 एंड समथिंग है कुछ, जो 3 शिफ्ट्स वगैरह में देखते हैं। ये मैंने 2015 से जो है ना ऑपरेशनल एक्टिविटीज से निकल गई थी, तो चूंकि यहाँ पे ग्राउंड पे टीम है वो देख रहे होते हैं ये सारा कुछ, तो मैं मेरा मोस्टली इस वक्त फोकस जो है वो कचरा गोट के बच्चों के ऊपर है। कचरा गोट क्या है मेरा? रेमे कचरा गोट में बेसिकली वो नूर मोहम्मद गोट के नाम से विलेज है, तो वहाँ पे ऐसा है कि 350 के करीब जो है घराने हैं जिसके अंदर मुसलमान भी हैं और नॉन मुस्लिम भी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे पूरे कराची का जो है गार्बेज ट्रकों में लोड होके वहाँ आके डम होता है। तो उसमें ज़्यादातर जो लेबर फोर्स है काम करने वाली वो औरतें और बच्चे हैं, तो वो कचरा जलाया जाता है और फिर उसके अंदर बच्चों को और ख़वातीन को लगाया जाता है कि ना जो आप इसमें से ये निकालें और फिर पर डीएम उनको दिया जाता है। तो कहा जाए तो अलगर्ज हर तरह की वहाँ पे बुराई मौजूद है, क्योंकि ये जो जहाँ पे ये कलेक्शन पॉइंट है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज निकली हैं कि बच्चे जब कलेक्शन के लिए जाते हैं तो उनको अब्यूज़ किया जाता है, बिकॉज वहाँ जो लोग आदमी हैं वो मोस्टली होटल बनी हुई एक छोटी सी जहाँ पे टीवी स्क्रीन लगी हुई है, वो बस वो जैसे इंटीरियर सिनेमा होता है तो वो ऐसे बैठ के आदमी बस वो देख रहे होते हैं फिल्में, और फिर उधर भी इस तरीके से है, फिर बच्चों के साथ इस तरीके के बहुत सारे केसेस निकल के आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो धुआं है ये भी तो जहर है, मतलब धुआं अपनी जगह के वो चलो अब इतने आदि हो गए हैं, और वहाँ पे ये सेना का क्लिनिक है, और ये क्या है सूरति सेंटर, ये सेना का जो है ना छोटा सा डिस्पेंसरी बनाई हुई है, ये सेना ट्रस्ट है जो हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर काम करता है, यानी इस तरह के जो इलाके हैं उनके अंदर ये है बेसिकली चाइल्ड लाइफ वालों का इदारा है, उन्होंने अपना बनाया हुआ एक यानी सेम प्रोजेक्ट। अंदर जा सकता है सेना क्लिनिक के अंदर जा सकते हैं? ये है ना आपका स्कूल? जी कौन सा स्कूल? ये सामने जो बिल्डिंग रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो वो लोग करें, तो ये सेना मतलब खुद ही सब चीज़ मैनेज करता है। सेना वाले कौन है? मैं एक दफ़ा मिला तो था बहुत साल हो गए। सेना शायद आप मिले भी होंगे, मेरे पास पिक्चर भी है उनकी, आइकन ऑफ कराची का उन्हें और मुझे कंबाइंड अवार्ड मिला था। क्या नाम है उनका? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं वेबसाइट से निकाल के आपको दिखाऊंगा। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ये नहीं सेना के कहीं पे भी सेना के यूनिट्स हैं ना तो वो ऐसी खूबसूरत बने हुए हैं, बहुत उन्होंने अच्छा। आज मैं आज काफी अच्छा है, ये लेबोरेटरी भी करता है ना, ये माशाल्लाह इन्होंने मच्छर कॉलोनी में भी सेना का है तकरीबन, उन्होंने बताया कि अंदाजन कोई 30 सेंटर है। इसको कौन देखता है ऊपर, किसने बनाया था? आसिफ इमाम साहब, बहुत अच्छा है। और रिसेंट इनके सीईओ चेंज हुए थे, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, मेरे पास है ईमेल में उनका पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह, वो करते हैं बहुत अच्छी फैसिलिटी उन्होंने, और हर जगह पे ना उन्होंने यही तमाम सेंटर्स बनाए। वाओ, और वेलफेयर कार्ड बनाया है। एक कार्ड पे कितना चार्ज करते हैं आप लोग?
ब्यूटीफुल बेसिक क्लिनिक है, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। क्योंकि यहाँ ऐसा था कि अपाई डॉक्टरों के हाथों ना काफ़ी लोगों की जानें ज़ाया हुई। एक बच्ची थी जिसको बिल्कुल ये समझे कि नॉर्मल उसको फीवर था, लेकिन उसको पीलिया बता के हेपेटाइटिस ए है, उसको हेपेटाइटिस बी है, उसको नॉर्मल फीवर था, उसको उस तरह के डोज दे के उस बच्ची की जान चली गई। इस तरह की बहुत सारी स्टोरी। आपको जाना है इसलिए हम ज़रा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। शुक्रिया भाई। आपके मियाँ रह गए कहीं? वो वहीं खड़े रह गए। मैंने कहा प्रोके फ्रॉम वहीं आ रहे हैं। एक वक्त था यहाँ पे जैसे लोग आने में डरते थे। हम भी डरते थे। हाँ, वो इतना गैंगवॉर था कि यहाँ पे लोग गने लेके खड़े होते थे। तो जब स्कूल यानी आना, जब हमारी स्कूल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो जो जितने भी ये थे उनकी गैंगस्टर, उन सबके हाथ में गने होती थी। और हमें किसी ने कहा था कि आप चौकीदार रखें, तो हमने उन्हें कहा था कि लड़कों ने कहा था बाजी आपको चौकीदार की ज़रूरत नहीं, हम हैं आपके लिए, हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्कूल था। क्या था पहला स्कूल था? ये जिसको हमने रेंट पे लेके जो है ना स्टार्ट किया था, किसी का घर था ये, एंड दिस इज द बिल्डिंग। अब ये बिल्कुल डिफरेंट टीम है, पूरा उसको चला रही है। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के अंडर चलाइए आपने एक टीम बना दी उसकी। पूरी टीम है, 45 के करीब लोग हैं। वो खुद ही इसको पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। दानिश जरा पकड़ेंगे। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम हुमैरा बच्चन के साथ हैं। ये एक और मलाला है इस मुल्क की। इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग क्रिएट करी जिसकी फंडिंग खुद ही बताएंगी। इन्होंने मैडोना से मुलाकात करी, बराक ओबामा से मुलाकात करी, हिलरी क्लिंटन से मुलाकात करी, फंड रेजर किया एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट के अंदर जाके। अफसोस ये है कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को इनके बारे में पता नहीं है। तो मैं आज इनसे मिलने आया और मैं देखना चाहता था कि ये कैसा स्कूल उन्होंने किया है कि आप खुद ही थोड़ी सी स्टोरी बनाएँ। ये मतलब जर्नी है 2001 से हमारी, जो बेसिकली हमने घर से 6 बच्चों से स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। 15 में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे और प्रोजेक्ट्स और जगहों में होने चाहिए, रादर देन कि हम अपने एक अचीवमेंट को अपने सीने से लगाए रखें और हम उसी पे रियलाइज़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में एक पूरी टीम है जिसको चला रही है, हैंडल कर रही है। 900+ यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। और अब इस वक्त जो है मैं एक और इदारे को लीड कर रही हूँ, रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से वो ऑर्गेनाइजेशन है, और रोशन पाकिस्तान अकेडमी के नाम से उसका स्कूल है जो दूसरे मजदूर में जो है ना ऑपरेट हो रहा है। जो गार्बेज पिकर जो बच्चे हैं, उनकी कम्युनिटी है, उनको बेसिक एजुकेशन दे रहे हैं और साथ साथ हम उनकी स्किल ट्रेनिंग जो है उसका भाग दे रहे हैं। जी इमरान, यहाँ पे रोड की कभी शोर है उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी कम जा रही है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी होने की वजह से होती है। फिर आप स्कूल चलाते हैं, वो आपको हर महीने के पैसे देते हैं। स्कूल इस तरह से खुला हुआ है, पर स्टूडेंट जो है ना वो स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, पैसे देते हैं। एक सर्टेन अमाउंट होता है वो देते हैं। आजकल क्या रेट चल रहा है? 500+ पर बच्चा वो गवर्नमेंट देती है आपको। स्कूल आपसे पहले चेक करेंगे, सब देखते हैं जी। उनके एप्लीकेशन ओपन होते हैं, अनाउंस होते हैं, और एप्लीकेशन जो है ना उनके अनाउंस होती है। वो उनके लिए क्या बताओ आप खड़ी हुई पीछे लेके आते।
ये अमीर खुशा रोड पे इनका दफ्तर है हमें जी। और ये बच्चे मम्मी को भी करीब कर लें, मैं इधर ही खड़ी हूँ। फिलहाल उसको अभी दोबारा क्या हम गुलशन मजदूर वाला देख सकते हैं? साथ साथ चलते आ जाते।